अब क्या करेंगे, जो भी बेस चाहिए, तो क्या कौन सा बेस चाहिए बोलो। टेन रख सर लेते हैं, बी। 10 रख लेते हैं, 10 रख लो। ठीक है, अगर बी चाहिए तो लॉग ए बाई, तो बी तो था ही, तो फिर क्यों चाहिए। अच्छा चलो लॉग बी। अब तो दोनों का सर गलती से निकल गया ठीक है, सर। चलो मान लो, देखो क्या होता है, गलती से कुछ नहीं होता। ये देखो इस ऐसा, सर वो वन हो जाएगा फिर हाँ डिनोमिनेटर। हाँ तो फिर वापस वही चीज आ जाएगा ना, आना भी वही चीज चाहिए, क्योंकि इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना। अच्छा अब मान लो तुमको लॉग ए चाहिए, बेस ए चाहिए, तो लॉग क्या होगा, लॉग ए बेस बी, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ए बाई लॉग ऑफ ए, ए होगा ना, बेस क्या चाहिए ए, तो लगा दिया, सॉरी यहाँ बी होगा, तो लॉग ए बेस ए वन हो गया, ये कितना हो जाएगा लॉग बी बेस ए। तो ये भी बताया था कि लॉग ऑफ ए बेस बी और बी बेस ए दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, मतलब ए बेस बी और बी बेस ए दोनों के एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा बेस चेंज थ्योरम में। और क्या था बोल रहे थे, अच्छा इसका प्रूफ, इसका प्रूफ अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें इतनी ही चीज याद रखो कि ए का पावर लॉग ए बेस के बेस ए है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी के, और अगर कोई के है तो तुम चाहो तो इसको 3 का पावर लॉग के बेस 3 लिख सकते हो। अगर बस ये दो चीज ध्यान है तो तुम्हारा 90% चीजें इससे रिलेटेड हो जाएगी। क्लियर, क्लियर है, यस सर, थैंक ठीक है। और लास्ट यू क्या, सर। हाँ लास्ट क्या हुआ था, सबसे लास्ट में क्या हुआ था, कौन सर सा, इसी का प्रूविंग चल रहा था। अच्छा इसी का प्रूविंग चल रहा था ना, ठीक है। इसका दूसरे तरीके से प्रूफ बताएं या प्रूफ अभी रहने दे, चलो अभी रहने देते, फिर लास्ट लॉग के लास्ट में इसको एक दूसरे तरीके से मैं प्रूफ बताऊंगा। चलो अब देखो, कुछ नोट करके लिखो, फर्स्ट जो कि आप जानते हो, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा लॉग, बोलो क्या होगा, बी इंटू सी बेस बी ए। इंटू सी बेस ए, सही है, पार्टिसिपेट करो, जिसको आ रहा है वो बोल दो, ठीक है, ज्यादा लोग है नहीं तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो सेकंड में अगर मैं बोल दूं तो क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस ए माइनस लॉग सी बेस ए, क्या हो जाएगा, सर लॉग बी बाई सी बेस ए। बी बाई सी। देखो मल्टीप्लीकेशन है तो वो एडिशन में आ रहा है, ठीक है, डिवीजन है वो माइनस में आ रहा है, क्लियर है ना। अच्छा ये सिंपली अगर ऐसे शो करूं तो दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है, कहाँ कुछ इंडिकेट कर रहा हूँ, कुछ पता चल रहा है ये अभी जो कर रहा हूँ, नहीं सर। नहीं पता चल रहा ना, ठीक है। अच्छा अब बताओ, आप कुछ पता चल रहा है, कुछ स्क्रीन पे कुछ हो रहा ओ है, सर नहीं, अब बताओ ऐसे हो रहा है ना, सर कुछ, हाँ ब्लिंक कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो दिखेगा नहीं। अरे भाई ये देखो, इसमें मैं पूछ रहा हूँ, अभी मैं एक वन को यहाँ मार्क कर रहा हूँ, दिखा, अरे भाई यहाँ पे मार, चलो ये सर चश्मा निकालने दीजिए एक मिनट। यस सर, दिख रहा है ना, अच्छा अब दिख रहा है, अच्छा यहाँ देखो नीचे यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या, ये मार्क कर रहा हूँ जो, ठीक है, अब ये दिख रहा है क्या, यस सर। अब ये दिख रहा है, यहाँ कहीं मार्क कर रहा हूँ नीचे, उससे नीचे कर रहा हूँ, कुछ दिख रहा है, कर्सर हिल रहा है, हाँ ठीक है, चलो बताओ तो कहाँ कर्सर लगा रहा हूँ मैं अभी, ये बस ये चीज देखो, ये दिख रहा है कहाँ कर रहा हूँ, टू के नीचे सर, नोट के टू के नीचे। हाँ वही है। नहीं ये देखो ये कर रहा था मैं, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा ये वाला चीज, ठीक है समझ गया मैं, अब कुछ भी हो मार्क करके बताना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है कोई इशू नहीं। आगे थर्ड, थर्ड नोट है, अगर कहीं पे 1/log ए बेस बी आ जाएगा तो उसको तुम क्या लिख दोगे, बताओ, 1 लॉग बी बेस ए। ए, अभी मैं बात किया था ना बेस चेंज थ्योरम से कि
log a बेस b और log b बेस से एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी जैसे लिखा जाएगा एग्जाम्पल वन बाई, ऐसे लिख दिया गया वन बाई log 2 बेस 32, कितना हो जाएगा इसका आंसर? log 32 बेस 2 मतलब 5। ये बात समझे ना? जैसे बताओ 1 बाई log 10 बेस 1000 कितना हो जाएगा आंसर? सर 3, क्योंकि ये हो जाएगा log ऑफ 1000 बेस 10, तो ये 10 इसका आंसर आ जाएगा 3। समझ रहा है ना बात? चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल। 81 का पावर log 7 बेस 3, अब माइनस 7 का पावर log 4 बेस 9। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसको वैल्यू बताइए। ऑप्शन भी दे दूं क्या? ए है 1, बी है 2, सी है 0 और डी है -1। नहीं, डी है नॉन ऑफ दीज। सर सेकंड वाले टर्म में लॉग के ऊपर लॉग 4 बेस 9 है, पावर में लॉग 4 बेस 9, उसको चेंज कर दीजिए ना सर, 4 को 3 कर दीजिए, कर दीजिए ना सर, आसानी हो जाएगा। अरे जो हम जो चीज, ये भी आसान है क्योंकि जो चीज बताना चाहता हूँ वो नहीं ना समझ में आएगा। ये वो वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए का पावर लॉग a बेस k इक्वल्स टू कितना? यस सर, हम ये समझ लिए हैं कि ये 81 log 7 बेस 3 जो है ना, ये 7 log 81 बेस 3 हो जाएगा, तो उसको सर हम 7 टू द पावर 2 सॉरी 7 टू द पावर 4 लिख दिया है। अच्छा ये बताओ स्वयं, ये चीज याद आ रहा है या हिमांगी जो भी बता रहा है? यस सर, c को आप a कर दिए, वही हम भी किए थे, ठीक है, तो इसी को यूज करो अगर वो ठीक है। ये दोनों चीज, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज हो रहा है। अब देखो अगर इसको तुम क्या कर दो, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो चलो ऑप्शन हटा ही देते हैं, मुझे क्या जरूरत है। देखो क्या हो जाएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये 3 का पावर 4 है ना, और ये क्या लिखा हुआ है लॉग, एकदम बेसिक स्टेप, एक एक स्टेप लिख के कर रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ठीक है, माइनस 7, और ये क्या हो जाएगा लॉग, अच्छा ये मैं तुम गलत लिखा हूँ क्या? नहीं सही तो लिखा हूँ, 7 बेस 3। क्वेश्चन क्या है? 81 का पावर, नहीं, क्वेश्चन सही बोल रहे, करना ही पड़ेगा। अच्छा इसकी बात कर रहे थे, अच्छा 4 पे तो होगा, नहीं, सही है हिमांगी, सही है, इसको 3 करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 3। तब तो फिर ऐसे ही आसान हो गया ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू तो कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2। नहीं ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ, रुक जाओ इसको भूल जाओ। अभी 2 का पावर log 7 बेस 3 माइनस 7 का पावर log 4 बेस 9। चलो इसको करो, इसको भूल जाओ अभी।
सर आंसर कितना है? जीरो जीरो. एक मिनट देखो स्वयं बन गया सर. अच्छा देखो क्या किया, इसको इधर लेके चले गए और इसको इधर लेके चला गया. ये क्या एक्सपोनेंट का बेस हमने बराबर करने की कोशिश की, ये क्या हो जाएगा 7 का पावर log 2 base 3 ये आया ना. और यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा ठीक है 7 का पावर इसको लिख सकते हैं log 2 का पावर 2 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 2. अब ये क्या हो जाएगा 7 का पावर log 2 base 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा 7 का पावर ये 2/2 हो जाएगा 2/2 log 2 base 3 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा 7 का पावर log 2 base 3 और माइनस 7 का पावर log 2 base 3 कट गया वैल्यू 0. अगर किसी को ना समझ में आए हो तो पूछे. यस सर. बोलो सर ये फर्स्ट स्टेप में ये 2 log 7 पे base 3 ये 7 log 2 base 3 कैसे हुआ? ये वाला ना देखो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर a का पावर log b बेस c है ना, तो हम c को फिक्स रख के a और b को रोटेट कर सकते हैं ठीक है. ये किया था ना? यस सर yes, भूल गए. ठीक है बस. तो ये क्या हो जाएगा b का पावर log a बेस, ये दोनों इक्वल होते हैं. तो हमने हमको क्या देखा कि अगर बेस हम चेंज कर देंगे यहाँ पे 7 लेके चले आए तो कुछ फायदा होगा, तो इसलिए 7 को यहाँ कर दिया 2 को यहाँ कर दिया. क्लियर है ना, इसलिए 0 हो गया. अब बताओ आधा क्लियर हुआ? यस सर. हाँ और किसी को कोई डाउट? नहीं चलो और कोई आएगा नहीं. अंशुल अंशुल नहीं आया आज? अंशुल नहीं. क्या है अपा में एग्जाम एग्जाम है क्या कुछ? क्या जी किसी को पता है अप्पा में पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है कुछ हो रहा है? क्योंकि अंशुल भी नहीं है, हिमांग क्या नाम है उसका, स्मृति भी नहीं है. अच्छा क्या हिमांगी कहाँ है वो लोग? सर मेरे को क्या पता सर, लेकिन टेस्ट तो मॉर्निंग टाइम में होता है उन लोग का. तैयारी तो दिन भर करेगा ना अगले दिन के टेस्ट के लिए. सर नेटवर्क कनेक्टिविटी हो सकता है परेशानी. अच्छा चलो ठीक है. ममता बनर्जी के बाद तुम्हारा ही पोजीशन में देने वाला हूँ, कोई नॉमिनेट करेगा ना? सर प्लीज सर ऐसे इंसान से कंपेयर मत करिए. ये लो क्वेश्चन लिखो log 16/15. अरे तो कैसा मतलब दीदी इतनी अच्छा काम करती है, वेस्ट बंगाल में जाओ तब तो पता चलेगा. नहीं सर नहीं नहीं मेरे को नहीं पसंद है वो. इतने सारे लोग हैं सर, आप कुछ भी बोल देते, योगी जी बोल देते. अब मतलब फीमेल को फीमेल से अटैच करूंगा ना, तो चलो ठीक है फिर. मायावती दी तो सर कुछ भी बोल दीजिए. मायावती दीदी वो भी तो सीएम रहती सर, छोड़ दीजिए प्लीज. अरे भाई सीएम नहीं सर, इंसान को अच्छा आदमी होना चाहिए. अच्छा मैं तुमको सीएम बना रहा हूँ, तुम अच्छा आदमी हो पड़ा हुआ है ठीक है. चलो अरे तो ये फीमेल में सक्सेसफुल लोग ये माने जाते हैं हमारे, चंदा कोचर, इंदिरा नोई, मायावती, ममता बनर्जी, ये सुषमा स्वराज, ये लोग सक्सेसफुल आल लोग आते हैं. वसुंधरा राजे सिंधिया. हाँ वसुंधरा राजे वो भी तो है ना सर, तो सर उनसे कंपेयर कर देते. अच्छा ठीक है चलो उन्हीं से कर देता हूँ. हो गया क्वेश्चन करो, बहुत हो गया. आप लोग भी करें, प्रूफ करना है. करना क्या है, ये प्रूफ करना. अच्छा तरीका होगा जितने भी. अच्छा सबका यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया था, बेस कुछ नहीं दिया तब क्या मानेंगे कि 10 दिया हुआ है या कुछ भी नहीं दिया, बस सेम बेस है जो भी है, बेस सेम है, बेस का इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस वजह से बेस नहीं दिया है.
चलिए लेफ्ट हैंड साइड लक्ष्य, यस सर कर लिए। देखो इसको log 16 लिख सकते हैं, माइनस log 15 लिख सकते हैं सर, बन गया। अच्छा ठीक है, अब प्लस 5 log 25 माइनस log 24 कर सकते हैं, अब प्लस 3 log 81 माइनस log 80 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबका प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। तो इसको देखो, ये log 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 into 5। अब प्लस 5, ये अगेन आप क्या लिख सकते हैं, log 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3, 24 को। ठीक है, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहा हूं मैं। अब ये क्या कर सकते हैं, log ऑफ ये 3 का पावर 4 हो सकता है और ये कितना हो सकता है, 5 इंटू 2 का पावर 4। सही किया, ओके। अब देखो ये क्या, इसको अगर हम लिखें तो ये 4 log 2 हो सकता है और ये क्या हो सकता है, log 3 माइनस log 5। सही है क्या, फर्स्ट ब्रैकेट क्लियर है हमारा। ठीक है चलो, 5 ये क्या हो जाएगा, 2 log 5 और माइनस डायरेक्ट लिखता हूं इसको, 3 log 2 माइनस log 3। क्लियर है, उसके बाद प्लस 3 4 log 3 माइनस log 5 माइनस 2 log 4। सही है क्या। अब देखो log 2 को एक साथ करो तो log 2 पे क्या आ रहा है, ये 28 और कहां log 2 है, ये है 15। तो क्या हो जाएगा, log 2 के साथ क्या क्या है, 28 माइनस 15 और log 2 यहां पे कहां है, तो ये देखो log 4 है यहां, नहीं क्या था 3 के साथ log 5, ये गलत लिखा हुआ है, ये 4 log 2 होगा, तो माइनस 12। ठीक है, अच्छा अब log दूसरा log क्या है, log 3। तो log 3 के साथ क्या क्या नंबर आ रहा है, माइनस 7 और यहां पे क्या आ रहा है, माइनस 15 और यहां पे क्या आ रहा है, एक मिनट, log 3 के साथ माइनस 7 और माइनस 15 और log 3 यहां पे कहां है, प्लस 12। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, कोई बताओ, इधर कैलकुलेशन देखो log। सर मैंने दूसरे तरीके से किया है। ठीक है तो सर हम भी दूसरे मेथड से बनाए। अच्छा ठीक है, तो इस यहाँ पे कैलकुलेशन तो देखो, log 2 तो 28 और माइनस log 3 में क्या हो जाएगा, माइनस 7 और log 3 में क्या हो जाएगा, माइनस 5, 15 नहीं होगा माइनस 5 होगा। ठीक है, अब देखो प्लस log 5, ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया तुम लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड वो करने की बोल रहे थे। ठीक है, log 5 में क्या आएगा, log 5 में यहाँ पे माइनस 7 आ गया और log 5 में और कहाँ से आया, यहाँ पे प्लस 10 आ गया और log 5 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, और माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो देखो ये चीज 0 आ रहा है और ये चीज 0 आ रहा है और ये कितना आ गया, 1। सो आंसर विल बी log 2। तुमने कैसे किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, एड है तो नो सर। सर ऐसे किए थे कि सर वो log मतलब 7 लिए, उसके बाद जैसे log 16 माइनस log 15 था ना, तो उसको 4 log 2 लिख दिए log 16 को, और माइनस log 3 माइनस log 5 पे। मैंने भी तो यही किया ना, यहाँ देखो पता नहीं सर मेरे को अलग लगा थोड़ा सर। सेवन फाइव और थ्री जो मल्टीप्लिकेशन में है ना, मैंने से पावर में चढ़ा के बेस मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तो सब
पावर में चढ़ा के फिर सबको एडिशन वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा दिया, ये किया ना तुम। देखो लक्ष्य आप क्या किया, जैसे 16 बाय 15 इसका पावर 7 कर दिया। यस सर। हाँ फिर एडिशन वाला थ्योरम लगा। हाँ हाँ तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना ये, कैंसिल आउट करने प्राइम फैक्टराइज करके पावर करना ही पड़ेगा तुमको, सबका प्राइम फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो सही है, ये भी मेथड सही है। चलो स्वयं तुमने कैसे किया था, ऊपर वाले ही जैसा किया था सर आपके जैसा। अच्छा चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अच्छा ठीक है कोई नहीं, आधा हो गया था। यस सर। अच्छा और चलो बताओ ट्रू और फॉल्स, लॉग 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3। सर फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। ठीक है सर, आप पिछले क्लास में बोले थे। हाँ तब अभी भी मैं वही बोलूंगा कि अगर log a प्लस बी प्लस सी हो तो ये log a प्लस log b प्लस log c नहीं होता है ना, अभी मैं यही बात बोल रहा हूँ, but still this statement is true। बताओ क्यों, ये थोड़ा सा 1 2 3 ये log के मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा है। अगर देखो अगर मैं बोलूं 1 × 4 × 5 1 + 4 + 5 ठीक है, ये क्या हो जाएगा log 1 सर 1 × 2 × 3 = 1 + 2 + 3। हाँ, बस इसमें गड़बड़ नहीं होगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। इसको चाहो तो अगर ऐसा लिख दो तो ये अब गलत है ये दोनों, ठीक है ना, log 4 और log 5 ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 या 1 इंटू 2 इंटू 3 इन दोनों की वैल्यू क्या सेम होती है ना, ठीक है। तो 1 अब इसमें देखो ये इफेक्टिवली क्या लिखा है, log 6 लिखा हुआ है, अब तो समझ गए होगे तुम लोग ये क्या लिखा है log 6, और इधर भी तुम सब निकालो तो क्या लिखा हुआ है log 6। इसलिए अगर इस तरह का कुछ आ रहा है ट्रू फॉल्स तो पहले दोनों साइड लॉग निकाल लेंगे, बेसिक जो नंबर आ पा रहे हैं तो log 6 base 10 या a whatever जो भी होगा, और इसका करो तो ये तो 0 हो गया, ये भी कितना आ जा रहा है log 6 base a, so this is true, clear। चलिए next question, log 5 base 0.008। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो इसको किसी ना किसी पावर में देखो, या फिर इसको देखा गया तो ये 8/1000 है ना, तो ये कितना हो जाएगा log 5, और ये क्या हो जाएगा 2/10^3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 log 5, ये 2/10 हो जाएगा तो या 0.2 हो जाएगा, कुछ भी लिख लो 0.2 ठीक है, एक मिनट, नहीं 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 ठीक है 2/10 0.2, लेकिन इसको फिर इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं कराओगे तो चलो एक काम करते हैं। देखो ये सब चीजें ध्यान रखना है कि अब देखो इस तरह से मैनिपुलेट किया तो कुछ वैल्यू तुमको नहीं दिख रहा है, अब हमको करना क्या होगा, अगर वैल्यू निकल रहा है कुछ वैल्यू निकलेगा तो ये चीज ध्यान रखो कि ये ना डेफिनेटली 5 के पावर में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो जब 5 के पावर में आएगा तो हमको इसको 5 के पावर में आएगा तभी वैल्यू निकल पाएगी, इसलिए हमको 5 के पावर में पहले देखना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इधर से ऐसे कर लिया, नहीं 2/10^3 किया तो इससे कुछ खास हमको नहीं मिला, ये कितना 0.2 आ जा रहा है, मतलब 5 के पावर में नहीं आ रहा है, तो हमने वो रास्ता बदल दिया, ठीक है।
रास्ता बदल के क्या किया, देखा कि 5 के पावर में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/125 आ रहा है, आ रहा है क्या, जब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग ये 5 और ये हो जाएगा 5 का पावर -3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, -1/3 लॉग 5 बेस 5, सो आंसर विल बी -1/3, क्लियर है। हमने अभी जो लास्ट में करते गए थे उसमें कोई गलती नहीं कर रहे थे, सब सही कर रहे थे, बट हाँ हमको एक डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिल पाई थी, ठीक है। उसमें दूसरे फॉर्म में मिल जाता जो भी, वो भी सही होता बट डिजायर्ड नहीं होता वो। चलो इसको निकालना वैल्यू, लॉग 3 लॉग 2 एंड लॉग √3 81। तो अब 81 को क्या होगा, √3 के पावर में देखने की कोशिश करेंगे, तो देखो फिर वैल्यू बताओ। सर 1, हाँ 1, हुआ और किसी से आद्या? यस सर। नहीं हो रहा है सर, हो गया भाई तो सर, हो गया। अच्छा तुम बोल रही, हिमांगी ये देखो इसको क्या करेंगे, 3 का पावर सर मतलब, हो गया माइक ऑन नहीं हो रहा था, 3 का पावर 4 कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर दिया, लॉग 3 एक स्टेप और बढ़ गए, और इसको लॉग 2 जो कि आप लोगों ने पहले स्टेप में ही समझ गए होंगे कि क्या करना है, ये √3 कर देंगे, और इसको √3 का पावर 8 कर सकते हैं ना, ऐसे ही करना है। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग 3, ये क्या हो जाएगा लॉग 2, और ये क्या हो जाएगा 3, नहीं सॉरी 8 लॉग √3 बेस √3, ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो इफेक्टिवली अभी जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया लॉग 3 और ये हो जाएगा लॉग 8 बेस 2 में। अब ये देखो ये 2 का पावर 3 दिख रहा है, तो इफेक्टिवली ये जो 3 इधर पीछे आ जाएगा तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लॉग 3 बेस 3 में, सो आंसर विल बी 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी तक तो किसी को डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नोट्स बनाते चल रहे हो ना, 3 बेस 9, चलो चलिए वैल्यू बताइए, आंसर आई थिंक 83 है। सर गलती हो गया क्वेश्चन उतारने में। चलो देखो अब बेस हमको 9 दिख रहा है यहाँ पे, इसका बेस, और इसका बेस 4 दिख रहा है, तो लेकिन इसका